आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज कुमार। स्कूल में छात्रों ने लगाया जय श्री राम का नारा, 17 निलंबित। हिंदू संगठन समर्थन में आगे आए। छात्रों के जय श्री राम के नारे लगाने पर एक स्कूल ने 17 छात्रों को निलंबित कर दिया। इसके विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठन सड़क पर उतरे। विरोध करने वाले संगठन में संपूर्ण हिंदू समाज, शिक्षा सत्याग्रह, जमशेदपुर टाइगर क्लब, केसरी सेना, माई दरबार, सेवा संघ, छात्र आशू के कार्यकर्ता शामिल थे। जमशेदपुर में प्रदर्शन और नारेबाजी। जिला शिक्षा कार्यालय पर प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं ने स्कूल पर कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन भी DSE को सौंपा। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सभी निलंबित छात्रों को कार्रवाई से मुक्त करने को लेकर देर तक नारेबाजी करते रहे। बता दें कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चर्च स्कूल बेल्डी में जय श्री राम का नारा लगाने पर स्कूल के 17 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों का एक ग्रुप खेलने के दौरान जय श्री राम का नारा स्कूल कैंपस में लगा रहा था। इसकी जानकारी प्रिंसिपल एल पीटरसन एवं अन्य सदस्यों को मिली। इसके बाद अनुशासन समिति की बैठक हुई, जिसमें स्कूल प्रबंधन ने इन सभी 17 छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। छात्रों को 5 दिनों तक स्कूल न आने की हिदायत दी गई है। रांची में भी आंदोलन। मामले की शिकायत शिक्षा सत्याग्रह के संस्थापक अंकित आनंद एवं आशु नेता अप्पू तिवारी ने जिला शिक्षा अधीक्षक से की। शिकायत में इन दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि यह हिंदू धर्म की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। इनका कहना है कि जय श्री राम का नारा लगाने पर कार्रवाई सरासर अनुचित है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। विहिप के प्रांत मंत्री वीरेंद्र साहू ने कहा कि इस मामले में स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो विवश होकर विहिप आंदोलन करेगी। स्कूल ने दी सफाई। मामले को तुल पकड़ता देख चर्च स्कूल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सफाई दी है। स्कूल के प्रिंसिपल एल पीटरसन ने कहा कि किसी भी छात्र को निलंबित नहीं किया गया है। ये सभी छात्र स्कूल में लाइब्रेरी पीरियड से गायब थे, जिन्हें अभिभावकों को बुलाकर लाने को कहा गया है। यह कदम अभिभावकों को उनके बच्चों की स्कूल से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी देने के लिए उठाया गया है। इसी तरह के नारे के कारण पहले MNPS में विवाद हो चुका है। हम यहाँ कोई विवाद नहीं चाहते। बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें स्टडी लीव में भेजने का निर्णय लिया गया है। नियमानुसार कार्रवाई होगी। EEO जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, इसकी वास्तविकता का पता लगाया जा रहा है। इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।